अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारा लेक्चर नंबर 31 7 डेट का फ्राइडे, एक्सरसाइज 3.3 हमने करनी है। अपनी डायरी पर डे टू डे मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/8 प्लस 4/8 इज इक्वल टू 4/8 प्लस 3/8। यहाँ पर बेटा हमारे पास इक्वल टू के साइन के एक तरफ भी एक वैल्यू है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हमें दोनों साइड का जो आंसर है वो इक्वल आ जाता है, ठीक है। जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो मींस 8 और 8 है यहाँ पे, तो इसका जो एलसीएम है वो भी 8 आएगा। और देखें 8 एलसीएम हमने दिया, 8 वन ज़ार 8, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 8 वन ज़ार 8, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4। अगेन यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे 8 आ गया, 4 प्लस 3 आंसर आ गया 7/8 इज इक्वल टू 7/8 जो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1/7 प्लस 5/7 इज इक्वल टू 5/7 प्लस 1/7। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, ये हम लोग 4 क्लास में करके आए हुए हैं फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। यहाँ पे एलसीएम ले दिया 7 और 7, दोनों साइड पे 1 प्लस 5 और 5 प्लस 1 आ गया। 5 प्लस 1 या 1 प्लस 5 के आंसर आ जाएगा 6/7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3/14 प्लस 6/14 इज इक्वल टू 6/14 प्लस 3/14। एलसीएम लिया 14, दोनों साइड पे 14, तो 3 प्लस 6 और 6 प्लस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/14 इज इक्वल टू 9/14, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 5/9 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 3/9 प्लस 5/9। एलसीएम ले लिया 9/9, दोनों साइड पे 5 प्लस 3 और यहाँ पे दूसरी साइड पे आ जाएगा 3 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 8/9 इज इक्वल टू 8/9। क्वेश्चन नंबर 5 पे 3/17 प्लस 13/17 इज इक्वल टू 13/17 प्लस 3/17। 3 प्लस 6 13 यहाँ पे, और 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 17 आंसर आ जाएगा 16/17 इज इक्वल टू 16/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11/20 प्लस 5/20 इज इक्वल टू 5/20 प्लस 11/20। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 20/20 दोनों का, तो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 11, 16/20 इज इक्वल टू 16/20। इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गई हैं, 3/8 प्लस 7/8 प्लस 5/8 ब्रैकेट में है। और यहाँ पे पहले 3/8 प्लस 7/8 ब्रैकेट में है प्लस 5/8। पहले बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 5/8 और यहाँ पे 3 प्लस 7/8, तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को। यहाँ पे आ जाएगा 3/8 प्लस 12/8 और यहाँ पे आ जाएगा 10/8 प्लस 5/8। अगेन एलसीएम 8 आ जाएगा, 3 प्लस 12 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एलसीएम 8 और 10 प्लस 5, 12 प्लस 3 15/8 और यहाँ पे दूसरी साइड पे भी 15/8, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3। और नेक्स्ट वाली जो राइट हैंड साइड है उसमें 1/3 प्लस 2/3 प्लस 5/3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ब्रैकेट को देखेंगे, 3 एलसीएम है तो 2 प्लस 5 आ जाएगा, दूसरी साइड पर 3 एलसीएम है 1 प्लस 2 आ जाएगा। 1/3 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 3/3 प्लस 5/3। एलसीएम लेंगे दोनों साइड्स पे 3, 1 प्लस 7 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरी साइड पे 3 प्लस 5 आंसर हमारे पास आ जाएगा 8/3, 8/3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 3/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7 और 3/7 प्लस 1/7 प्लस 2/7। 1/7 और 2/7 का एलसीएम 7, 1 प्लस 2 पर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3/7। और नेक्स्ट हम करते हैं जी, 7 एलसीएम ले दिया, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6/7 है हमारे पास। दूसरी साइड अगर सॉल्व की जाए तो वहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 4/7 प्लस 2/7। एलसीएम आ गया 7, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6/7, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 3/19 प्लस 7/19 प्लस 5/19। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 7 प्लस 5/19 आ जाएगा, 7 में 5 ऐड कर 12/19 प्लस 3/19, दोनों साइड पे एलसीएम ले, इस साइड पे एलसीएम लेंगे 19, 3 प्लस 12 आंसर इज 15/19। राइट हैंड साइड देखें, 9/10 एलसीएम, 3 प्लस 7 प्लस 5/19, 3 प्लस 7 10/19 प्लस 5/19। एलसीएम है हमारे पास 19, 10 प्लस 5 15/19, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये 10 क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों ने अपने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं, इनकी पिक्स बनानी है, मुझे भेज देनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।